चालाक लोमड़ी बेवकूफ कौवा। एक समय एक लड़का पनीर खा रहा था कि एक कौवा उड़कर कहीं से आया और लड़के के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपटकर तेजी से एक वृक्ष के ऊपर जा बैठा और मजे से पनीर खाने लगा। तभी एक लोमड़ी उधर से गुजरी। उसने कौवे की चोंच में पनीर के टुकड़े को देखा और लालच से अपने होठों पर जीभ को फेरा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम प्यारे दिखते हो, तुम्हारे चमकीले पंख और नोकीली चोंच जब इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। ऐसा करते ही उसकी चोंच में दबा हुआ पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है पर बुद्धि नहीं है। सीख, झूठी प्रशंसा करने वालों से बचो।